नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस बीच हमने कई हारमोनियम वादकों से बात की है और ये समझने की कोशिश की है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो आम तौर पर संगत का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, उसे किस तरह सोलो में बजाया जा सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या विकल्प हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं मिलिंद कुलकर्णी जी। बहुत ही शानदार हारमोनियम बजाते हैं और नाम के साथ वैसे तो युवा लगा हुआ है, युवा कलाकार के तौर पे आप इनको जानते हैं, लेकिन जब आप इनकी कला से परिचित होंगे तो आप तब आप समझ पाएंगे कि जो साधना है वो कितनी परिपक्व है, संगीत कितना परिपक्व है। मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आपकी जितनी जितनी पृष्ठभूमि में पढ़ पाया और जितना मुझे पता है कि परिवार में इस तरह से कोई संगीत की पृष्ठभूमि नहीं थी। हाँ, सुनने वाले थे, पिताजी माताजी दोनों संगीत के बहुत शौकीन थे और संभवतः ऐसा भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो ना सीख पाए हो परंपरा तरीके से, इसीलिए उन्होंने आपकी शुरुआत बहुत कम उम्र में कराई। सही बात है ये? जी सही बात है, एकदम सही बात है। कैसे कैसे याद करते हैं उन दिनों को, क्या घटना थी, क्या कुछ आपने ऐसा कमाल किया कि घर वालों को लगा कि नहीं, इस बच्चे में संगीत है और इसको सिखाना चाहिए? एक तो बचपन से थोड़ा मुझे म्यूजिक का कुछ शौक था, और जैसे बोलते हैं कि बच्चों में एक गिफ्ट रहती है कुछ ना कुछ अलग अलग, हर एक के यू नो हर एक में कुछ ना कुछ एक गिफ्ट होता है, भगवान उनको वो गिफ्ट दे के भेजता है। तो वैसे मुझ में थोड़ा सा एक संगीत का गिफ्ट भगवान ने दिया था, और उसको मेरे माताजी और पिताजी ने देखा। मेरे पिताजी को बहुत संगीत का शौक था, शौक है राधा अभी भी, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं थोड़ा म्यूजिक में कर पाऊँ और म्यूजिक में जाके कुछ मैं आर्टिस्ट बन पाऊँ। तो वो पहले कभी कहीं सीखे नहीं थे, थोड़ा हालांकि एक छंद के तौर पर तबला वो बजाते हैं, लेकिन वो तो जॉब करते हैं और एकदम सामान्य फैमिली से हम लोग बिलोंग्स करते थे। और
जैसे उनको पता चला कि दिखाई दे रहा था कि मैं कुछ हारमोनियम बजा रहा हूँ, कुछ मुझे उसमें रुचि है, कुछ इंटरेस्ट है, तो जब मैं 5 साल का था तभी मुझे पिताजी ने तबला सिखाने के लिए मेरे गुरुजी के पास भेज दिया। तो ऐसा होता था कि तबले की हाइट और मेरी हाइट पैरेलल होती थी, बट इट वाज लाइक आई एम प्लेइंग लाइक दिस ओनली। सो वो सब देख देख के मेरे ऊपर हंसते थे, तो मैं थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील मुझे हो जाता था और तो मैं रोने लगता था। तो फिर मेरे गुरुजी ने कहा कि ये अभी बहुत ही छोटा है, 5 साल का ही है, तो 1-2 साल आप थोड़ा वेट कीजिए, 2 साल के बाद इसको फिर से आप लेके आइए, तब हम लोग शुरू करते। तो उसके बाद मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ में मुझे हारमोनियम दिया, तो तब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगर उन्होंने मुझे तब तबला दिया होता तो शायद मैं तबला बजा पाता था। तब उन्होंने मुझे पता नहीं, शायद मेरे नसीब में लिखा होगा, शायद मेरे लकीर पे होगा वो, शायद कि मैं हारमोनियम के ऊपर कुछ कर सकूं। तो मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ में हारमोनियम लाके थाम दिया। तो ऐसे मेरे गुरुजी के पास मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा शुरू हो गई। मेरे पहले गुरु कैलाशवासी पंडित वसंतराव गुरव, तो ही वॉज फ्रॉम सांगली ओनली। तो वहां में मेरा पूरा बचपन, कॉलेज तक मेरा सांगली में ही गया। तो तकरीबन 7 से 8 साल तक मैं उनके पास सीख रहा था। तो थोड़ा ऐसा हुआ था कि बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स मेरे साथ सीखते थे, तो उनको भी थोड़ा ऐसा फील हुआ कि इस लड़के में कुछ गिफ्ट है, कुछ गिफ्टेड एलिमेंट है। तो उन्होंने मुझे एक अलग सा उनका कमरा मेरे लिए रखा था हमेशा के लिए। तो मैं बैच के टाइम पे वहां पे सीखने के लिए जाता था, लेकिन वो मुझे अलग कमरे में बिठा के उनके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो सिखाते थे। यूजुअली दूसरे स्टूडेंट्स को जो उनका स्क्रिप्टेड जो लिखा हो, जो सबको सिखाते, कॉमनली जो बोलते हैं कि सिलेबस के अनुसार, परीक्षा पद्धति के अनुसार जो सिखाना होता है, तो उस पद्धति से वो दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाते थे। और मुझे थोड़ा उन्होंने अलग रूम दे के, तब मैं बहुत डरता था क्योंकि उनके पास एक कुत्ता भी था, तो वो मेरा भी बचपन में चला गया, मैं एक्चुअली बात करते करते। तो लेकिन फिर भी मैं अकेला वहां पे बैठता था, वो मुझे आके सिखाते थे। उनके जो दिमाग में जो चल रहा है, मुझे इसका बहुत फायदा हुआ कि उनके मन में जो चल रहा है म्यूजिक, वो मुझे वो सिखा रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्क्रिप्टेड तो होता है, वो सब लोगों को एक साथ सिखाया जाता है, लेकिन जो अंदर जो चल रहा है, विच इज नॉट स्क्रिप्टेड। तो मेरे गुरुजी भी बहुत बुजुर्ग और बहुत बड़े हारमोनियम वादक थे। मुंबई आकाशवाणी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों से, जैसे पंडित किशोरी जी आमोणकर, पंडित उल्लास कशाळकर जी, और तब जो 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 लोग बम्बई आकाशवाणी में आते थे, तो उन सबके साथ वो एकम्पनीमेंट करते थे। लेकिन वो बाद में सांगली में आके उन्होंने उनका स्टे किया था। तो उसका फायदा मुझे वहां पे हुआ कि उनका सब अनुभव, उनका प्यार, उनकी जो वाइफ थी, उनको हम इन्नी करके बोलते थे, तो उनका भी मेरे ऊपर एक विशेष प्यार था। तो थोड़ा सा मैं बचपन में पतला था, थोड़ी मेरी तबीयत नाजुक हुआ करती थी। तो उनका एक रूल था कि मेरा क्लास का टाइमिंग ऐसा था कि क्लास करके मैं वहां से डायरेक्टली स्कूल जाता था। तो पहले खाना खाना है मुझे उनके घर, मेरा टिफिन तो माँ मेरे साथ में देती थी, तो पहले खाना खाना चाहिए और उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, बाद में सीखूंगा और बाद में स्कूल जाऊंगा। तो इतना प्यार भी मुझे वहां पे मिला, उन्होंने अभी कैसे कभी भी मुझे ऐसा स्टूडेंट और गुरु का एक रिलेशन जो बोलते हैं ना, तो उन्होंने, और तो उनके सामने तो बहुत छोटा था मैं उम्र से भी, तब मैं 7 साल का था, 8 साल का था, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, जैसा पोते जैसा उन्होंने मुझे ट्रीट किया, खाना खा के फिर सिखाना, बाद में जो कुछ पैर से करना, पैर से बुलाना, तो ये प्यार भी मुझे बहुत मेरे गुरुजी से मिला। लेकिन पिताजी को भी बहुत आनंद, और माता पिताजी को, क्योंकि मेरी शिक्षा भी अच्छी तरीके से चल रही थी और मैं तब गाता भी था और गाना भी सीखा, मेरे गुरुजी से मैं गाना भी सीख रहा था।
क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि हारमोनियम ही सीख रहा हूँ, क्योंकि हारमोनियम के साथ जो सीख रहा था मैं, गाना भी उसके साथ मेरा सीखना साइमल्टेनियसली उनके पास ही चल रहा था। तो दोनों ही तरीके से मेरी तालीम उनसे शुरू हुई। और फिर पिताजी भी मेरे बहुत खुश थे कि वो उसकी तालीम चल रही है। तो बहुत बार वो भी, क्योंकि मैं रियाज तब बचपन में कभी रियाज करने का एक टेम्परामेंट नहीं होता है, तो बच्चे बोलेंगे तो बाहर जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, टाइम पास करेंगे। तो रियाज का मतलब बचपन में तो बिल्कुल पता नहीं था। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पिताजी ने भी बिल्कुल ही रियाज नहीं करता था, तो पूरा हारमोनियम फेंक दिया था मेरे सामने कि तुमको अगर नहीं बजाना है तो फिर सीखो मत। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें बचपन में मेरे लाइफ में घटी जिनसे वो थोड़ा अंदर गई चीजें कुछ, तो वो अभी भी फील होता है कि तो ये सब मेरा बचपन इतना मेरे लिए पॉजिटिव रहा। क्योंकि क्या है, आर्टिस्ट करके प्रोफेशन करना अभी भी लोग सोचते हैं, अभी भी कभी कभी पूछते हैं कि आप इसके ऊपर आपका हो जाता है क्या, ये धंधा हो सकता है क्या, इससे काम होता है क्या। तो अगर मेरे पिताजी को माता जी को अगर ऐसी चिंता रहती थी तो वो मुझे इसमें कभी नहीं डालते थे, तो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो एक बोलते हैं ब्लाइंडली उन्होंने मुझे सिखाया, पुश किया, और फिर भगवान की कृपा से फिर पुनः आया और देन सब गुरु बचपन फिर की यहाँ आप के। बचपन की आप जिन यादों को ताजा कर रहे थे मिलिंद, उसमें प्यार की बात हो गई, खाने की बात हो गई, तालीम की बात हो गई, पढ़ाई की बात भी हो गई, बदमाशियों की बात नहीं हो पाई। तो बदमाशियों के लिए वक्त मिलता था या फिर सब इसी सब में बचपन निकल गया? नहीं, बदमाशी तो होती थी ना, मैं बहुत बदमाश था, मैंने बहुत सारे कृत्य किए थे बचपन में। जैसे गार्ड गार्ड रहते हम लोग, दो तीन बच्चे मिलके एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहां पे बहुत सारी मिट्टी थी, तो उसमें गाड़ना था चेस तक और उसको फिर से निकालना है। तो दो बच्चों को हम लोगों ने गाड़ा, उनको निकाला, और लास्ट में मैं था, उन्होंने मुझे यहां तक गाड़ दिया था और वो भाग गए, वो भाग गए वहां से। और बहुत सारा धूप थी वहां पे, तो इट वाज ऐसे बहुत सारी बदमाशियां मैंने की है। घर से ऐसे में कई दोस्तों के साथ निकल गया, घर में पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो होली में जैसे वो हम लोग होली को जैसे हम लोग ये करते हैं ना, जलाते हैं उसको हम लोग, तो वो सब कुछ लकड़ियां और सब जमा करने के लिए दोस्तों के साथ एक दिन पूरा निकल गया था मैं। तो घर में सब ढूंढ रहे मुझे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। एक बार मैंने मेडिसिन के 100 मेडिसिन मैंने एक बार खाए बचपन में, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। तो ऐसे बहुत सारा बदमाशी बहुत सारी की है मैंने। तो लेकिन स्कूल में जाने के बाद फिर मैं बहुत शांत रहा, क्योंकि वहां के सारे बच्चे बहुत सारे मेरे से भी ज्यादा बदमाश थे, तो उनके सामने मेरा तो कुछ नहीं चलता था, तो एकदम चुप, वहां से फिर बहुत चुप हो गया मैं। या बचपन में मेरा ऐसा थोड़ा हैपनिंग गुजरा है। आपने अभी बातों बातों में ही बताया कि वो वाकया भी हुआ जब पिताजी ने नाराज होकर हारमोनियम फेंक दिया, और इसके पीछे वो झुंझलाहट रही होगी कि अगर कोई एक गुरु आपको समय दे रहा है, संगीत सिखा रहा है, परिवार एक प्रयत्न कर रहा है कि आप सीखें, और उसके बाद अगर आप रियाज नहीं कर रहे हैं तो वो झुंझलाहट जो होती है वो बड़ी स्वाभाविक होती है कि फिर सीखना ही क्यों है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर सीखना ही क्यों है। लेकिन मेरा सवाल इसके आगे का है। एक एक तो ये रूप हुआ जब हारमोनियम फेंक दिया, लेकिन फिर जब आपने रियाज को गंभीरता से लिया तो फिर कई बड़े गुरुओं के पास भी आप पहुंचे और उन बड़े गुरुओं ने भी आपको आशीर्वाद दिया। चूंकि जी आपने पहले गुरु के बारे में अपने बहुत विस्तार से बताया है, तो मैं ये आग्रह करूंगा कि आपने बाकी भी जिन मूर्धन्य कलाकारों से संगीत की साधना की है, उनके साथ तालीम ली है उनके अंतर्गत, उनके बारे में भी बताइए। जी जब मेरे पहले गुरुजी उनका देहावसान जब हुआ, तो वहां पे सांगली में है पंडित अन्ना दीवान करके बुजुर्ग हारमोनियम वादक थे, तो उनके यहाँ एक 3 साल में सीखा। और मंगला जोशी करके हमारे यहाँ पे रेडियो के आर्टिस्ट है, तो उनके यहाँ पे उनके यहाँ में हमेशा
एकम्पेनमेंट करने के लिए जाता था, तो तभी मुझे कुछ राग, कुछ बंदिशें बजाते बजाते और उनसे भी बहुत कुछ मिल रहा था। तो 10वीं तक ये सब मेरा चल रहा था सीखना, और तब तक मैंने रियाज बिल्कुल नहीं किया। एक्चुअली ये सब मैं जब मेरे पिताजी ने वो हारमोनियम फेंक दिया, ये सब मैं सब 8 साल का था, 9 साल का था, तब हुआ था। लेकिन उसके बाद भी मैंने ऐसे कुछ रियाज नहीं किया। लेकिन मैं जैसे पुणे आया, मेरे गुरु जी पंडित प्रमोद मराठे, जो अभी गांधर्व महाविद्यालय के प्राचार्य है, तो उन्होंने उनके यहाँ पे मैं गुरुकुल पैटर्न से रहा। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा रियाज, और वो खुद 8-8 घंटे सामने बैठे थे मुझे लेके। तो 8-8 घंटे का एवरीडे रियाज और सीखना होता था। तब तक सांगली में जब रहता था तो स्कूल और कॉलेज और जाओ कैरम खेलो, क्रिकेट खेलो, बदमाशी करो, कभी कभी प्रोग्राम होता तो प्रोग्राम में जाओ, तो ऐसा रूटीन होता था। लेकिन पूना में मैं उसी के लिए ही पूना में मैं आया था। तो गुरुकुल सिस्टम से क्या हुआ, मुझे दूसरा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला फॉर्चुनेटली। तो एक ही एनवायरनमेंट में मैं वहां पे रहा उनके यहाँ पर, तो जो कुछ है वो उनके साथ 24 घंटा उनके साथ ही रहता था मैं, क्योंकि वो विद्यालय उनका, मैं कहूंगा पहला तो उनका विद्यालय ही है, क्योंकि वो हमेशा काफी टाइम उनका विद्यालय में ही जाता था। उनका घर हालांकि थोड़ा पास में ही है, पास में था, लेकिन वैसे विद्यालय में उनका आना जाना रहना ही होता था हमेशा। तो फिर सुबह वो देखो गुरु का कितना एक प्यार रहता है, और कितना मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ खुद को। वो सुबह 5-5:30 बजे आते थे, और मेरी गुरु माँ वो उनके साथ दूध और लड्डू, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके मेरे लिए भेजती थी वो। और सुबह 5-5:30 बजे वो आते थे, और एक्सरसाइज करना है तो सब जोर लगा रहे, बैठक का निकाल रहे हैं, तो गुरु जी और मैं, मुझे गुरु जी लेके जाते थे। अभी विद्यालय में हम लोग पहले एक्सरसाइज करते थे, तो फिर वो घर जाके 8 बजे तक आते थे वहां पे। तो 8 से 12, 12:30, 1 बजे तक एक रियाज सेशन होता था। बाद में खाना वाना खा के फिर से 4-4:30 बजे वो आते थे, तो 8:30-9 बजे तक वो सेकंड सेशन होता था। तो ऐसे तकरीबन 5 साल तक होता रहा। तो उनके पास रह के सीखने से मुझे बहुत उसका फायदा हो, क्योंकि बजाना ही और तालीम लेना यही सीख नहीं होती, सहवास में जो चीजें मिलती है, जैसे डिस्कशन रहता है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उनके साथ सब जगह पे वो मुझे लेके जाते थे, जैसे दिल्ली में लेके गए, जैसे धारवाड़ में लेके गए, बेंगलोर में लेके गए, जिन उनको जब जब पॉसिबल हुआ उन्होंने मुझे उनके साथ रखा। तो एक व्यवहार भी रहता है, बोलने का व्यवहार, कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्या, वो सब ऑब्जर्वेशन में करता था। तो ये भी एक तालीम ही होती है, कि खाली उनके पास रह के सीखना और बजाना, इससे भी दूसरी भी और कुछ तालीम होती है, तो ये होती है कि उनके साथ रह के वो कैसे बात कर रहे हैं आर्टिस्ट लोगों के साथ, कैसे उनका बजाना, कैसे स्टेज पर उनका अपीयरेंस कैसा है, दूसरे लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, कैसे वो पोलाइटली लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कितना नम्र होना चाहिए। तो ये भी सूझ रहा है, काफी चीजें जो बाद में भी मेरे दिमाग में आ रही है, ये तो चीज मैंने 4 चीजें तो बताना ही भूल गया है, ये भी हुए हैं। तो सब चीजें तो आना मुश्किल है, लेकिन वो काफी चीजें मैं उनके पास लेके मैं सीखा, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो उन्होंने फिर, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सामान्य फैमिली से था, तो वहां पे रहना है, सीखना है, तो 2 साल मैंने थोड़ा सा अप डाउन किया सांगली से पूना। वहां पे मेरे बड़े चाचा, बड़े अंकल यहाँ पे मेरे रहते थे, तो उनके घर में पहले मैं रहता था, और वहां से बस से मैं आना जाना मेरा विद्यालय में होता था। तो बाद में 2000 में गुरुजी बोले कि तुम यहीं पे आ जाओ, यहीं पे सीखो, यहीं पे रहो। और पिताजी को बोला कि उनके शिक्षा शिक्षा की और उसके फिनेंस की आप कुछ चिंता मत कीजिए, वो यहाँ पे सिखाएगा, और खुद के
कमाई से उसका उसकी शिक्षा भी पूरी करेगा। तो जब तक मैं पैसा कमा नहीं रहा था, कुछ कमा नहीं रहा था, तो गुरुजी ने मुझे फ्री सिखाया। मेरे से एक भी पैसा उन्होंने नहीं दिया था कि जब तक तुम खुद कमा के मुझे फी नहीं देते हो, तब तक मैं तुमको, जब तक तुम कमाने लगोगे तब तक तुम्हारे हिसाब से तुम मुझे फी दे दो। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि तुम मुझे, क्योंकि उनको पता था कि मैं एकदम सामान्य फैमिली से हूँ और मैं कुछ कर पाऊंगा, ये उनको भी थोड़ा सा एक प्यार था। उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार आज तक देते हैं वो, तो तब तो उनके पास रह के सीखता था, तो और मुझे बहुत प्यार से उन्होंने सब चीजें सिखाई। तो फिर उन्होंने मुझे एक बैच, क्योंकि विद्यालय बोले तो वहां पे हारमोनियम सिखाया जाता था, गाना सिखाया जाता था, तबला सिखाया जाता था, तो फिर वहां पे उन्होंने मुझे हारमोनियम का बैच दे दिया, तो उनको सिखाना। तो फिर उसमें जो मुझे वो सैलरी मिलता था, तो फिर वहां पे मैं गाना भी सीख, गुरुजी बोले कि गाना भी सीखना उतना ही जरूरी है, तो थोड़ा सांगली में गाना तो सीख ही रहा था मैं। तो बाद में वहां विद्यालय में भी सीख के मैंने गाना सीखना शुरू किया। वहां पे पंडित मुकुंद गदरे जी करके थे, तो उनके बैच में बैठ के मैं गाना सीखता था। तो थोड़ा सा मैंने, फिर मेरी कमाई शुरू हो गई, तो फिर मैंने उस वो सब पैसा इकट्ठा करके मैंने मेरा बीए का, आई मीन बैचलर्स किया मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से। तो ये सब जो बोलते हैं गुरु का आशीर्वाद और गुरु का प्यार, तो उन्होंने सब मुझे अरेंज करके दिया था कि, और मेरे घर वाले भी थोड़ा सुकून में थे क्योंकि उनको पता था कि गुरुजी मेरे साथ है और कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी आ रही है, तो फिर वो सब, आई मीन वो है साथ में, तो उसका बहुत फायदा हुआ मुझे। मेरे पिताजी जब फर्स्ट टाइम गुरुजी को मिले, तो गुरुजी ने पहली चीज मुझे कहा, मुझे बोले कि, अभी मराठी मराठी में बोलते हैं जैसे जिभेवरती सरस्वती, जब बात करनी तो उसमें एक मिठास होनी चाहिए, इसको तुम कायम रखना, इससे तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि बदतमीजी नहीं करना है किसी से, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बिल्कुल सबसे प्यार से बात करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट उनका ये था। तो उनका एक स्टेटमेंट मेरा पूरे पूरे जीवन भर, वो स्टेटमेंट अगर मैं फॉलो करूंगा, तो ऐसा गुरु का ये कंट्रीब्यूशन होता है। खाली सीखा, मैंने जैसे आपको कहा कि उतना ही कंट्रीब्यूशन है कि वो सिखा रहे, रियाज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन एक स्टेटमेंट में उन्होंने मुझे पूरा, ऐसे कितने स्टेटमेंट्स उनके, तो खुद को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि कभी कभी हम लोग उसको कम पड़ जाते हैं, गुरु को पहचान नहीं। तो बस ये सब भगवान की कृपा से ये सब हुआ। और बाद में मैंने फिर पुणे यूनिवर्सिटी से, ललित कला केंद्र जो पुणे यूनिवर्सिटी में है, वहां से फिर मैंने हारमोनियम में मास्टर्स किया। तो बस मेरा वहां से फिर प्रोग्राम्स भी शुरू हुए, तब तक सीखना भी शुरू हो रहा था, साइमल्टेनियसली कॉन्सर्ट्स भी आने लगे थोड़ा थोड़ा, आई मीन वो भी मेरा एक रूटीन शुरू होने लगा। और गुरुजी की वजह से भी कुछ आर्टिस्ट मुझे पहचानने लगे, जाने लगे, कहीं कहीं पे मेरे गुरुजी भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे, कभी 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 मेरे फ्रेंड्स मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो ये सब नसीब में होना बोलते हैं ना, तो ये सब हो रहा था। बिल्कुल नसीब में होना भी है। और मिलिंद, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बड़े गुरु गुरु होते हैं, वो गुरु सिर्फ आपको बिठा के किसी भी कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई सुर लगाना ही नहीं सिखाते। दरअसल मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक एक व्यक्तित्व को गढ़ते हैं पूरा। उस व्यक्तित्व के गढ़ने में सिर्फ कलाकार नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक मुकम्मल व्यक्तित्व तैयार होता है। उस व्यक्तित्व के तैयार होने की जो प्रक्रिया है, वही गुरु तैयार करता है। और एक अच्छे कलाकार के लिए सहज होना कितना जरूरी है, ये गुरु के ही ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सिखाते हैं अपने शिष्य को। कि आप जब किसी से मिलें तो आप ऐसे मिलें कि उसको मिलके अच्छा लगे। मतलब मैं तमाम ऐसे कलाकारों को जानता हूँ जिनसे मिलने के बाद जब वो चले जाते हैं तो 2-4 मिनट तक लगता है कि यार ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम लोग बचपन से ऐसे सुनते आ रहे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग्स देखते आ रहे हैं, और जो हमारे लिए मतलब किसी देवता से कम नहीं है। लेकिन मुलाकात हुई तो इतने सहज कि मानो बिल्कुल हमारे आपके बीच के हों। जी मैं मिलिंद, दो और कलाकारों का नाम लेना चाहूंगा आपसे।
दोनों ही बहुत दिग्गज कलाकार हैं, उल्हास कशालकर जी और सुरेश तलवलकर जी। इन दोनों कलाकारों के साथ भी आपका एसोसिएशन रहा है, इन दोनों को का भी आशीर्वाद आपको मिला है। थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं और फिर इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में चलेंगे। जैसे कालयुगी पंडित सुरेश तलवलकर जी, उनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। एक बोलते हैं कि स्टूडेंट को समृद्ध करना, जैसे उनके अगर सानिध्य में आप रहेंगे, उनके उनका खाली आपको अगर सहवास भी मिले, वो सहवास भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो जैसे मुझे उनका सानिध्य 2000 से एक्चुअली मिला। मेरा सौभाग्य इतना अच्छा था कि स्पेक्ट्रम करके पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो समीर दुबले जी करके, पंडित जितेंद्र अभिषेक जी के स्टूडेंट है, तो वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे। तो हर महीना गुरुजी का, आई मीन तवकर गुरुजी का वर्कशॉप होता था 3 दिन के लिए। तो वहां से उनके पास में मेरा जाना शुरू हुआ। तो हर एक महीने में 3 दिन के लिए मैं उस वर्कशॉप में बजाने के लिए जाता था नगमा। तो एक जैसे मैंने कहा कि उनका सिखाना, उनका एक जो ऑरा है, जिस तरीके से वो सिखा रहे, एक लय की तालीम है, बहुत सारी चीजें जो मैंने नजदीक से देखी, स्टेज से देखी मैंने कि वो स्टेज पर है, मैं भी उनके बाजू में स्टेज पर हूँ। तो इतना नजदीक से मैंने उनको एक्सपीरियंस किया, तो नेचुरली एक मुझे थोड़ा एक लय का अंग जो बोलते हैं ना, वो डेवलप हुआ। अभी भी वो जर्नी शुरू है, ऐसा नहीं कि ये सब, क्योंकि ये कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये तो एक जन्म की चीज तो है ही नहीं, जितने जन्म आप लेंगे उतना ही आपको पता चल जाए कि हम लोग अभी भी आगे जाके कुछ करना है। लेकिन एक लय का, एक उनका सोच, तो फिर उनके साथ तब वो तिनताल में वर्कशॉप में कुछ सिखाते थे, कभी कभी रूपक में सिखाते थे, कभी कभी झपताल में सिखाते थे, कभी कभी तीसरा जाति झपताल में सिखा रहे थे। ऐसे ऐसे कई कई तालों का एक वो तालीम उनका मैंने नजदीक से देखा, और उनके साथ फिर नगमा भी बजा रहा हूँ। तो एक मेरे लिए उन्होंने वो ट्रैक आसान किया, नगमे का ट्रैक और छंद का ट्रैक, लय का ट्रैक। एक लैंग्वेज रहता है, तबले की लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज मुझे मेरे कानों के ऊपर इतना हमेशा मैं सुनता था, सुनता रहा, वो होता गया मेरे से। तो फिर उनके साथ कई साल, आई मीन कई सालों से मैं सीख भी रहा हूँ, उनके साथ काफी बार बजाने का मुझे मौका भी मिला है। और उनका ऐसा है कि जो संत लोग होते हैं, मैं उनको अभी उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट करना उतना तो बड़ा मैं हूं नहीं, लेकिन मैं मुझे हमेशा जैसे उल्ला जी और तवकर गुरु जी, ये लोग साधना करके उनको इतना सारा कि देख के पता चल जाए कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो एक 5 मिनट का परफॉर्मेंस भी सुनेंगे और बजाना सुनेंगे, तो उनको वो पूरा स्कैन करते हैं कि इस बच्चे में और बच्चे में क्या है और क्या नहीं। वो करेक्ट बोल बताएंगे, आपको ये करना है, आप ये करोगे तो आपका ये हो जाएगा, और वैसे होता है। तो गुरुजी के साथ रह के उन्होंने काफी चीजें मुझे, मेरी जो कमियां थी, तो मुझसे वो करवाते थे, बताते थे, सिखाते थे। और अभी भी उनका एक स्वभाव है सिखाने का, कि कोई भी अगर उनको जाता है और पूछता है कि गुरुजी मुझे आपसे ये सीखना है, तो वो कभी ना नहीं बोलते। इतना इतना बड़ा व्यक्तित्व, ऋषितुल्य व्यक्तित्व उनका होकर भी कभी किसी को, शायद इसीलिए वो ऋषितुल्य है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जब भी मैं उनके उनके कभी घर गया हूँ, उनका आश्रम मेरे घर के पास ही है, तो हमेशा तानपुरा तो लगा ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं गया और घर में कुछ संगीत की आवाज नहीं आ रही है। तो उनसे बहुत सारे संस्कार मुझे अभी भी मिल रहे हैं, और
जब से मैं उनके पास जा रहा हूँ तब से मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि बस जो कुछ मेरा लय का काम, जो कुछ मैं नगमा बजाता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ एक्सप्रेशंस में बजाते वक्त कुछ प्रयास करता हूँ, तो ये इन गुरु लोगों की देन है। नहीं तो अगर मैं इनके सानिध्य में नहीं आता था तो शायद मैं जितना कुछ कर रहा हूँ उतना भी नहीं हो पाता था। और उसके बाद दिन पंडित उल्लास कशाकर जी के यहाँ भी मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी। तो ये बात मैंने तवलकर गुरु जी को बोली थी कि मुझे उनके पास थोड़ा सीखना है, तो फिर उन्होंने मेरा मैसेज उनको कन्वे किया था। तो फिर उल्ला जी बोले कि ठीक है, हारमोनियम लेके आने की जरूरत नहीं, अब जब आओ, मैं जब तालीम देता हूँ आओ सुनो, सुनने से भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो बस उनके उनकी जब तालीम वो जब देते हैं तो मैं सुनने के लिए भी जाता हूँ। थोड़ा बीच में भी कोरोना और इस की वजह से थोड़ी सी गैप हुई है, कभी कभी मेरे भी कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं तो टूरिंग भी रहता है, तो गैप तो होती है, लेकिन मैं जितना मुझे पॉसिबल है उनसे कुछ सीखने का प्रयास तो हमेशा करता हूँ। और जैसे हारमोनियम एकम्पनिमेंट के लिए भी यूज होता है, तो हर एक जगह पे गुरु मिलते हैं। जैसे मैं किसी के साथ हमेशा बज रहा हूँ तो कुछ कुछ चीजें उनसे भी अनोइंगली सीखी जाती है। जैसे कई कई राग, जो आपको सभी राग, गुरु गुरु आपको सभी रागों का नॉलेज नहीं दे सकता, नहीं देगा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है। तो कई राग आप एकम्प्रीमेंट करते करते सीख जाते हैं, कई कई बंदिशे एकम्प्रीमेंट करते करते आप सीखते हैं, तो वो भी गुरु ही हुए सब। तो कौन आपके सामने कैसे किस तरीके से, जो बोलते ना कि आपको हर एक से कुछ चीज आप सीखते ही और सीखनी ही चाहिए, तो आपके कई सब आप गुरु लोगों में आप रहते हैं हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि अब छोटे भी बच्चे हैं तो भी उनसे कुछ आप सीखते हैं, कोई बड़े उनसे भी सीखते हैं, आपके दोस्त होते हैं, कभी कभी अपने विद्यार्थियों से भी कुछ आप लोग सीख सकते हैं। तो बस आपकी वो दृष्टि होनी चाहिए, तो बस मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई फीलिंग एक्चुअली। ऐसे कलाकारों का अगर जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो बात अभी मिलिन जी ने कही कि जब भी आप बड़े कलाकारों के साथ संगत भी कर रहे हो, उनको सुन भी रहे हो, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर ऐसे कलाकारों का मैं कुछ का नाम बता दूं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि सिर्फ नाम के साथ युवा लगा हुआ है। संगीत पूरी तरह से परिपक्व है, उसमें पंडित जसराज जी से लेके प्रभा अत्रे जी से लेके वीणा सहस्त्रबुद्धे जी से लेके, मतलब अनिंदोदा, फिर नए लोगों में अगर आप आ जाइए तो फिर वहां पे भी यही रूल है। वैसे तो आप युवा कहते हैं लेकिन कौशिकी क्या कमाल गाती हैं, मतलब कौशिकी चक्रवर्ती, उनके पिता पंडित अजय चक्रवर्ती, मतलब एक लंबी लिस्ट है पूरी की पूरी जिन बड़े कलाकारों के साथ मिलिन जी ने संगत की है। कुछ एकाध किस्से मिलिन जी जो आप बताना चाहें इन कलाकारों के। जी जरूर। एक मेरा बहुत, वैसे तो काफी सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा मैं शेयर करूंगा। मुझे एग्जैक्टली साल पता नहीं, लेकिन 2006 और 5 समथिंग, यहाँ पे एक राजमुंद्री करके आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है, वहां पे स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट होती थी, ऑर्गेनाइज होता, जो सत्य साई बाबा जी का एक, उनके नाम, वो उनका ऑर्गेनाइजेशन था। तो कई साल पहले वो दूरदर्शन पर भी वो उनका प्रोग्राम होता था, स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट्स करके। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश। तो तब मैं पंडित संजीव अभ्यंकर जी के साथ गया था एकम्पनिमेंट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं 17 साल का था, 17 और 18 साल का शायद, नहीं कुछ, शायद 22 और 23 साल का रहूंगा। तो मैं ट्रेन से वहां पे पहुंचा और तब सेकंड स्लीपर से मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे याद है। तो संजीव जी ने मुझे कहा था कि अच्छा मिलिंद, तुम कुर्ता, क्योंकि मैं इतना पतला था तो कोई मुझे आर्टिस्ट करके इमेजिन भी, वो मैं उनके सामने खड़े होकर भी ऑर्गेनाइजर दूसरी जगह पे बाय बाय करे, मिलिंद कुलकर्णी कहाँ पे खड़ा है, तो इतना मैं पतला था, रिकग्नाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता था ऑर्गेनाइजर को। तो बोले कि कुर्ता लेके, कुर्ता पहन के तुम ट्रेवल करो, और उतरने के बाद उनको वो कुर्ता देख के रिकग्नाइज।
तो वो कुर्ता भी मुझे याद है कौन से कलर का था, ऑरेंज कलर का था, वो चेक्स वाला। तो उतरा मैं वहां से, तो फिर उन्होंने मुझे पहचाना, फॉर्चुनेटली मुझे पहचाना। तो पूछ क्या, अरे मिलिंद कुलकर्णी आप ये क्या, आप ये क्या? तो मैंने हाँ, तो आपको अभी तुरंत स्टेज पर जाना होगा, क्योंकि संजीव जी का गाना तो दूसरे दिन था। तो वो बोले कि, मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले कि अभी 1 घंटे में पंडित जसराज जी का गाना है और उनके हारमोनियम प्लेयर आए नहीं, पूछे नहीं, तो उनके साथ आपको बजाना है। तो आई वॉज लाइक, मुझे तो कुछ बात, मेरे क्या, मेरी पूरी सूझबूझ पूरी ब्लॉक हो गई कि डायरेक्टली उनके साथ वो ऑर्गेनाइजर वहां से डायरेक्टली वहां स्टेज पर लेके जा रहे। तो इट वाज लाइक वेरी, क्या क्या बोलते, चैलेंज भी नहीं बोल सकते, अब क्या बोल सकता हूँ मैं इसको। तो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनाइजर से बात की, मैंने एक संजीव जी को कॉल किया और उनसे भी मैं एक परमिशन ले ली, क्योंकि एक व्यवहार होता है, एक तमीज होती है। तो पहले संजीव जी से मैंने इजाजत ले ली, क्योंकि उनके साथ में बजाने के लिए जा रहा, हालांकि उनके वो गुरु होके भी उनसे पूछना मेरा कर्तव्य था। बिल्कुल तो संजीव जी को मैंने कॉल किया, स्टेशन से ही कॉल किया मैंने, कि ऐसे ऐसे ये लोग आ रहे लेने के लिए और बोल रहे कि पंडित जी के साथ आपको बजाना है, तो आपको क्या, मैं आपकी अगर इजाजत हो तो मैं, तो बोले अरे इसमें क्या इजाजत लेनी है, आप हमारे लिए तो बहुत बड़ा ये मौका है, जाओ बजाओ। तो मैं हार्डली 5 मिनट के लिए होटल में, क्योंकि कुर्ता चेंज करना था, तो हार्डली 5 मिनट के लिए मैं होटल पर आया, ये सब मैं फ्रेश हो रहा था, मेरा चश्मा फूट गया। तो यूट्यूब पर वो उसका वीडियो है, तो विदाउट स्पेक्स में वहां पे शायद दिखे, तो चश्मा मेरा फूट गया। फिर फ्रेश होके तुरंत मैं कॉन्सर्ट के जगह पे निकला, तो पंडित जी, आई मीन जसराज जी बैठे थे ऑलरेडी स्टेज पर। तो ऑर्गेनाइजर वो सिर के ऊपर हारमोनियम लेके भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, और जैसे डायरेक्टली वहां पे जाके बैठा और उन्होंने दरबारी शुरू किया। तो साल 1 घंटा 1.5 घंटा तो प्रोग्राम हुआ, बाद में वो खुश हुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने अच्छी संगत की करते रहो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अनुभव था, जो शब्दों में बयां कर सकता हूँ, लेकिन उसका जो फीलिंग है व्हाइल आई वाज ऑन द स्टेज, और उनका जो ऑरा, उनको फॉलो करना तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना थोड़ा मैं गलत समझूंगा, क्योंकि तब मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, तब भी मैं स्टूडेंट था, तब तो मैं ज्यादा छोटा स्टूडेंट था, तो ये सब मेरा सीखने का, और उनके साथ डायरेक्टली मैं बजा रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा सा एक प्रेशर था, क्योंकि उनको अगर पसंद ना आए तो वो क्या बोलेंगे, ये गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे, तो ये सब रहता है ना म्यूजिक छोड़ के ये, क्योंकि इतने बड़े कलाकार के साथ अगर बैठ रहे और कुछ तैयारी नहीं, कुछ पता नहीं क्या गाने वाले, कभी बजाया नहीं है, कभी ग्रीन रूम में भी कुछ पता नहीं क्या, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, और कुछ 21-22 साल का था, तो वो अनुभव भी नहीं था कुछ। लेकिन गुरु के कृपा से उनको भी अच्छा लगा, और बस, तो ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम मोमेंट है। तो उसके बाद ऐसे कई सारे मोमेंट्स है, जो अभी इंटरव्यू में सब कुछ, आई मीन, तो बहुत हाँ, तो आप टाइम देखिए, जाएगा। मिलिंद 40 मिनट कब निकल गए पता भी नहीं चला, और अब समय सीमा के हिसाब से मैं आपको सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ और धन्यवाद कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू सो मच, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स।